बेटी क्या है मौसी? बेटी इस फार्म का जरा हिसाब किताब तो देख ले। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मौसी कि मुझे तुम इस हिसाब किताब के चक्कर में मत घसीटो। तुम ही इस घर की बड़ी हो, तुम ही देख लेना। वो तो ठीक है, लेकिन हूँ तो नौकरानी। मौसी मैंने हमेशा तुम्हें माँ की तरह ही समझा है और तुमने भी मेरी माँ की तरह ही परवरिश की है, इसलिए बार बार नौकरानी कहकर मेरे दिल को ठेस मत पहुँचाओ। तुम लोग पूछने पूछने में पूछना भूल जाओगे। पूछो क्या पूछना है। मम्मी हमारी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने में और कितने दिन बाकी है? 10 दिन है ना मम्मी बाकी? नहीं बेटे, 6 दिन बाकी है। देखा, हार गया ना। मैंने कहा था ना कि 6 दिन बाकी है। जाने दे कविता, तुम लोग छुट्टियों के खत्म होने का जिक्र ही क्यों करते हो? मेरा दिल तो घबराने लगता है। बाबा तुम दोनों एक साथ इस पर बैठना बस। बालिया अब इसकी टांग कैसी है? डॉक्टर साहब आए थे ना इसे देख लीजिए। अब ये लंगड़ा था तुम्हें? हाँ हाँ। पूरी तरह भर गया है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या है राजा, देखने रहा? मैं बालिया से बात कर रही हूँ, थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता? लालची कहीं का। देख मैं लाई हूँ तेरी खुराक। लेने मुझे तो मैं खिलाऊंगा। अच्छा तुम खिलाओ। बालिया आ रहा है। क्या बात है बालिया? क्या हुआ मम्मी? अचानक डैडी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे फौरन टेलीफोन करने के लिए कहा है। तुम लोग ऐसा करो, बाली के साथ आ जाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बच्चों से तुम्हारी ही बात सुनता आ रहा हूँ। एक दोस्त की हैसियत से मैंने तुम पर रहम खाया, तुम्हारी मदद की। तुम भूखों मर रहे थे और तुम नमक हराम गिरगट। तुम मेरी कंपनी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेते रहे और हड़प कर गए और मुझे पता तक न चलने दिया। नहीं मैं मानता हूँ मैंने थोड़ी सी बेईमानी की, लेकिन फिर भी आपको मुझ जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा जो अपने मुंह से अपनी बेईमानी कबूल कर रहा है। मैं मजबूर था, मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारी जरूरतें क्या है। यही ना कि जुआ खेलना, शराब पीना, हजारों औरतों पे पैसे लुटाना, यही है तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें। और इतने दिनों से तुम मेरी आस्तीन पर बैठे रहे और मुझे ही डसते रहे, मगर अभी भी देर नहीं हुई। ये कागजात देख रहे हो, इसमें तुम्हारे तमाम करतूतों की दास्तान लिखी हुई है। ये मैं अपने वकील के पास भेज रहा हूँ, वो तुम पे मुकदमा करे या तुम्हें पुलिस के हवाले करे, मुझे कोई परवाह नहीं। आई हैव फिनिश्ड। ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी तबीयत खराब रहती है, कभी भी कुछ हो सकता है। अपनी बेटी, अपने नवासी नवासी का सरपरस्त मैं तुम्हें बनाना चाह रहा था। सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी होती। अरे बच्चे तुम्हें प्यार से चाचा चाचा कहते हैं, इसका कोई ख्याल नहीं रहा तुम्हें। आरती को भी मैं बता दूंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है और चाचा बनकर तुमने हमारे भरोसे को कैसे ठुकराया है। जी डैडी। अरे बेटी आरती, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे टेलीफोन कर दो। अच्छा हाँ। अब तो आप ठीक है ना डैडी? बेटी एक जरूरी बात तुमसे कहनी थी। जी कहिए। तो ये है कि हेलो 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 डैडी हेलो।
तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। हमें फौरन शहर वापस जाना होगा। देखा जम्बू, बाबूजी भी हमें छोड़कर चले गए। ये मैंने सोचा कि बाहर जैसी जिंदगी हम कैसे काटेंगे। कौन है हमारा चंबू? हम किसके सहारे जिएंगे? मैं हूं ना आंटी, तुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। और फिर होने को कौन टाल सकता है? मौत के आगे हम सब मजबूर हैं, बेबस हैं। चल आरती, गरम गरम कॉफी पी ले, जी हल्का हो जाएगा। अगर इस समय तू मेरे साथ न होती तो न जाने मैं क्या कर बैठती। क्या पागलों जैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कुछ करने देती क्या? नंदिनी तुम्हारी सहेली ही नहीं, तुम्हारी बहन भी है। देखो आंटी, जो कुछ हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। नंदिनी ठीक कह रही है, कब तक इस तरह से आंसू बहाती रहोगी? तुम्हें तो बीमार होने का भी हक नहीं है, क्योंकि तुम पर तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी है, जो भी बहुत छोटे हैं। उनके जवान होने तक कदम कदम पर तुम्हें उनका साथ देना होगा। और फिर करोड़ों का कारोबार है, बिजनेस का लेन देन है, ये बोझ भी तुम्हें को उठाना होगा। इस तरह से सारी जिम्मेदारियों के बोझ को भुलाकर, सिर्फ गम के बोझ को दिल पर रखकर घर में बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। विक्रम के चले जाने के बाद अपने आप को बिल्कुल तनहा समझने लगी थी। वो दुख शायद मेरी जान ही ले लेता, लेकिन डैडी ने मुझे जीने की प्रेरणा दी। मेरी उंगली पकड़कर उन्होंने जिंदगी के रास्ते पर मुझे फिर से चलना सिखाया। और खुद मुझे आखिरी वक्त पर उससे कुछ बात भी नहीं कर सकी। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, अचानक उनकी आवाज बंद हो गई। मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ कि वो तुमसे क्या कहना चाह रहे थे। हाँ बेटी, क्योंकि उनके आखिरी समय मैं बदनसीब उनके सिराने पे था। उन्होंने शायद अपनी मौत को सूख लिया था। मुझसे कहने लगे, हीरा लाल मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज से सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर है ना? मेरी बेटी जिंदगी इतना लंबा सफर आके नहीं तय कर सकती, इसलिए उसे कहो किसी का हाथ थाम कर शादी कर ले। मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानता हूँ बेटी, इस वक्त बाप की जुदाई की आग तेरे मन को जला रही है, और मैं उस आग पर शादी के फेरे लेने के लिए कह रहा हूँ। मगर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। तेरे पिताजी की आखिरी तमन्ना थी, ये तो मर गए, जाते जाते मुझे यतीम कर गए। संजय, ये जाने तुम? मौके भी अचानक ही मिलते हैं। क्या मतलब?
समझ गई नंदनी? अगर हमारी ये चाल कामयाब हो गई तो हम आरती की करोड़ों की जायदाद के मालिक बन जाएंगे। मामा मुझे आरती के करीब ले जाएगा और तुम आरती को मेरे करीब लाओगी। बोलो, इस काम में तुम मेरा साथ दोगी? कल सिटी क्लब का सिल्वर जुबली फंक्शन है, मैं आरती को लेके वहां आऊंगी। वेलकम आरती, वेलकम। तुमने आज घर से ना निकलने की कसम तो तोड़ी। आई एम वेरी हैप्पी। बखूब, लाजवाब, बेमिसाल, एक्सलेंट। मैं नमस्ते चाचा जी। मैं हाय हाय मैं हाय दे मैं हाय हो गया। मैं क्लब के तमाम मेंबर्स की तरह से तुम्हें वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद कहता हूँ। ये क्लब जिसकी बुनियाद तुम्हारे पिताजी के महान हाथों से रखी गई थी, तुमने इसके फंक्शन में आकर इसकी इज्जत में 1440 चांद लगा दी। बेचारी को सांस तो लेने दो। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटिया। हीरालाल जी, एक मिनट। हेलो आरती जी, अजनबी लग रहा हूँ ना? जब तक पहचाना न जाए इंसान अजनबी तो लगता है ना? अब पहचान हम कराए देते हैं। ये है हीरालाल का हीरे जैसा भांजा संजय, लंदन जाए। काश आज सक्सेना अंकल जिंदा होते और हम दोनों को मिलवाते, तब आप जान जाते कि वो मुझे कितना चाहते थे। सिर्फ चाहते थे? अरे वो तो चाहते थे कि ये उनके कारोबार का सारा बोझ संभाल ले, मगर जिद्दी है, नहीं माना। अब ये बेचारा भी क्या करे, कि खुद के कारोबार बहुत ज्यादा है ना। ये तो मैंने मिन्नत समाजत करके बुलाया अपना हाथ बंटवाने के लिए। अरे आरती, इधर ही खड़ी रहोगी क्या? और लोग भी तो है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। आप वो मशहूर मॉडल नंदनी तो नहीं? जी हाँ, और आरती की सहेली थी। बड़ी खुशी हुई मिलकर। आज इस खुशी के मौके पर कौन सा हंगामा करे नंदनी? बस थोड़ी देर और रुकिए चाचा जी। आज की रात हर दिल वाले को पता चल जाएगा कि जिंदगी कितनी हसी है।
मैंने कहा था ना मस्ती नहीं करना। मैं ना रहा मस्ती, अच्छा हुआ डांट पड़ी। चुप। अरे अच्छा चुप। संजय यहाँ भी। हाय। हाय। इसे कहते हैं किस्मत। फिर से मुलाकात हो गई। नमस्ते। नमस्ते। बड़े प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है तुम लोगों का? मेरा नाम कविता, इसका नाम बॉबी। मेरा नाम गागा वाला। अच्छा तो आप बताइए आपका नाम क्या है? आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय। हाय संजय। हाय। ये क्या बदतमीजी है? संजय अंकल बोलते हैं ना? सॉरी मम्मी। अंकल आपको टेंशन आता है? हाँ आता है। क्या नंदिनी आंटी से भी अच्छा आता है? वो तो खेलने के बाद ही पता चलेगा। क्यों नंदिनी जी, हो जाएगा गेम? Why not? सिर्फ संभालिएगा, कहीं आपकी सिर पर फिर से बॉल ना लग जाए। वो तो निशाने पर डिपेंड करता है। चलिए। देखना आंटी जीतेगी, देखना अंकल जीतेंगे। देखा अंकल ने क्या शॉट मारा। तुझे मालूम है पापा भी बिल्कुल ऐसे खेलते थे। अच्छा क्या बोला? अरे बच्चों, अगर मुझे तैरना आता तो किनारे पर बैठ के पत्तियां इकट्ठा करता। तो फिर ये स्विमिंग पूल का क्या फायदा? मम्मी को भी तैरना नहीं आता, फिर हमें कौन सिखाएगा? फिकर क्यों करते हो, अभी अंकल आ गए ना, यही सिखाएंगे। अंकल आपको स्विमिंग करना आता है? हाँ बिल्कुल आता है। अरे आप तो हीरो है, हीरो। आपको डांस खेलना आता है, स्विमिंग करना आता है, अंकल हमें भी सिखाइए ना। जरूर सिखाऊंगा, चलो। मजाक भी है। मम्मी ने कहा स्विमिंग करेंगे। चलो तुम लोग पानी से बाहर निकलो। माफ करना आती जी, आपसे पूछे बगैर मैं बच्चों को तैरना सिखा रहा हूँ। लेकिन घबराइए मत, बच्चे मेरे साथ। लेकिन देखिए, अगर बचपन से इनके जहन में डर घुस गया तो जिंदगी भर कोई फैसला करने के काबिल नहीं रहेंगे। जंबो नाय, बुरी बात। ये बच्चे सचमुच हंस रहे हैं या कुत्ते के डर से? मुझे ऐसा लग रहा है। कितने अच्छे लग रहे हैं, आज बरसों के बाद इतना खिलखिला के हंसे नहीं। हाँ बैठे ना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग।
माफी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं और आपका फैसला बहुत जरूरी है। क्या बात है? मैडम फैक्ट्री के वर्कर से स्ट्राइक करती है और मांगे इतनी नाजायज हैं, लगता है कि हमें फैक्ट्री लॉकआउट करनी पड़ेगी। क्या मांग रहे हैं? कहते हैं कि उनकी तनख्वाहें 25% बढ़ा देनी चाहिए। दरअसल वो लोग सेठ जी की मौत का फायदा उठाना चाहते हैं। बेटी मैं एक बात बोलूं, कोई फैसला वैसला करने की जरूरत नहीं है। ये वो गुत्थी है जिसका कोई छेड़ा ही नहीं। मेरी मानो तो फैक्ट्री को ताला लगा दो, चाबी किसी नदी में फेंक दो, सारी झंझट खत्म। ये क्या बकवास कर रहा है मामा? आप जैसा अंदर दो तो सारी दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाए। आरती जी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। मेरे ख्याल में वर्कर्स की मांगे मान लेनी चाहिए। चौंकिए मत, आजकल दुनिया भर में वर्कर्स की यही समस्या है। वैसे मैनेजर साहब, अगर आप उनकी मांगे मान लें और अपनी एक मांग रखें कि हर वर्कर को रोज आधा घंटा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो मान जाएंगे। क्या ख्याल है? आपका ख्याल सही है, वो खुशी खुशी मान जाएंगे। आइडिया में दम है यार। वाह भांजे वाह, आज पहली मरतबा विश्वास हुआ कि भैंस जो है वो अकल से बड़ी होती है। अकल बड़ी होती है, मेहनत है। अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। आगे जाकर मैं ही मिलता हूँ क्या? तेरा इलाज कराना पड़ेगा। तो नहीं, मैं अपने करा लेता हूँ। रोज अंकल अंकल क्यों ले तंग करते बेटे? मम्मा वो बहुत अच्छे अंकल है, वो तंग नहीं होते। मम्मा आज अंकल ने हमें पिकनिक पे ले जाने का वादा किया था। तो मैं ले जाती हूँ तुम लोगों को पिकनिक। नहीं आपके साथ कौन जाएगा? आप एक आइसक्रीम दिला के बैठा देती हैं, बस आइसक्रीम ही खाते रहो। वो राजू है ना, उसके पापा है ना, उसको घोड़े पे बिठाते हैं, ऊंट पे बिठाते हैं, जाने कितना मजा कराते हैं। दूसरों को जाने दो बेटे, मगर तुम लोग किसी के साथ नहीं जाओगी। प्लीज मम्मी जाने दीजिए ना अंकल के साथ। एक बार कह दिया ना नहीं। क्यों बच्चों को डांट रही है? अंकल
तैयार हो ना? हाँ, लेकिन मम्मी नहीं जाने दे रही। क्यों आरती जी, क्यों नहीं जाने दे रही आप? ये रोज रोज आपको तंग करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों बच्चों, तुम्हें भी अच्छा लगता है ना? तो फिर मम्मी से पूछो, हम चलें। मम्मी हम जाएं, प्लीज मम्मी। अच्छा, लेकिन पहले कपड़े बदल लो। रामू काका, बच्चे अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटी, क्यों चिंता करती हो? लेकिन मेरी जान सूख गई थी, मालूम है कितनी देर से फिक्र कर रही हूँ मैं? अब खामखा फिक्र कर रही थी आरती जी, बच्चे मेरे साथ थे और मैं एक जिम्मेदार आदमी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, वरना मैं भेजती नहीं थी। मम्मी मम्मी, अंकल ने घोड़े पे बैठाया। मम्मी मम्मी, अंकल ने ऊँट पे बैठाया। आंटी आंटी, बस बस बस, यहाँ अब आप लोग ऊपर जाओ, मैं आप लोगों के लिए दूध भेजती हूँ। फिक्र सो जाना, खाना लग गया बेटी। अब मैं इजाजत चाहूंगा जी। क्यों, खाना खाकर जाइए ना। जी नहीं, किसी और दिन। अंकल खाना तो खाना ही पड़ेगा, आपके कहने पे हमने खाया, अब हमारे कहने पे खा लीजिए ना प्लीज। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। खूबसूरत कंगन है, बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। जी हाँ, भारतीय कला का एक खूबसूरत नमूना है, 3 पीढ़ियों से हमारे खानदान में। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। बड़े प्यारे बच्चे, आप भी लीजिए ना। जी, लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है। जी हाँ, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। विक्रम भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों के लिए जैसे दीवाने हो जाते थे। ये घर खिलौनों से भरा हुआ रहता था, हर रोज बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाते ही थे। एक बार हम छुट्टियों में फार्म पर गए थे, कविता 1 साल की थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, देखिए कविता चलने लगी है, उसके लिए घोड़ा ला दीजिए। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? आरती, ओ आरती। अरे बाबा क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इधर आओ ना। हाँ बोलो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे ये क्या है? घोड़ा है, और क्या है? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किसके लिए लाए हो? अरे वाह, तुमने तो कहा था कि कविता के लिए घोड़ा ले आना। मैंने? अरे बाबा, वो तो मैंने कविता के लिए लकड़ी का घोड़ा लाने के लिए कहा था, और ये तुम सचमुच का घोड़ा उठा के ले आए? उठा के नहीं लाया हूँ, चला के लाया हूँ। विक्रम मजाक मत करो, कविता इससे क्या करेगी? क्या करेगी क्या मतलब, जब कविता बड़ी हो जाएगी तो इस पर सवारी करेगी, तब तक तुम सवारी करो। कौन, मैं? और इस घोड़े पर? क्यों ना बाबा ना, मुझे तो दूसरे डर लग रहा है। कविता 2 साल की थी और बॉबी पैदा ही हुआ था। हमारी जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी, हंसते खेलते गुजर रही थी कि अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। हमारी शादी की सालगिरह थी, विक्रम का इंतजार हो रहा था और वो इंतजार की घड़ी इतनी लंबी हो गई कि सारी उम्र इंतजार ही रह गया। लेकिन हुआ क्या था? वो पूना से आ रहे थे, पार्टी में जल्दी पहुंचना चाहते थे और जल्दबाजी में उनका एक्सीडेंट हो गया। उसी मनहूस घड़ी हमारी जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। हमारी खुशियां, हमारे सपने, हमारी आशाएं, सब कुछ उन्हीं के साथ चली गई। बच्चों के होठों से ऐसे किसी ने मुस्कुराहट छीन ली हो। आज आज बरसों बाद मैंने बच्चों के होठों पर मुस्कुराहट देखी और
और ये हमेशा कायम रह सकती है। मैं जानता हूँ आरती जी कि आपके दिल में विक्रम की यादें और उसका प्यार रचा बसा है और उसमें किसी और के बसने की जगह नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल के किसी कोने में इतनी भी जगह हो जहाँ मेरी श्रद्धा बस सके तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी सारी खुशियां वापस आ जाएंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस घर की वीरानी प्यार और खुशियों के माहौल में बदल जाएगी। पता नहीं ये सब कुछ कहने का साहस मुझे कैसे हुआ, लेकिन विश्वास कीजिए मैं जो कुछ कह रहा हूं सच्चे दिल से कह रहा हूं। वाह भाई ये वाह, बस सही जा रहा है। आरती से झूठी हमदर्दी जता के उसकी दौलत पे जो हाथ डालने का हम लोग का प्लान था ना, उस प्लान की सड़क पे तो बिल्कुल सही जा रहा है, बल्कि तेज जा रहा है। तेज तेज कुछ नहीं मामा, यूं समझ लो कि बस मंजिल के करीब पहुंच चुका हूँ। मंजिल के करीब कैसे पहुंच गया, ये बात मेरी अकल की झोपड़ी में मेरे दिमाग में गई नहीं। क्यों, पहले तो हर बात दिमाग में बड़ी तेजी से घुस जाती थी, इस बार क्यों नहीं घुसी? अभी तो क्या करूं यार, एक तो कुत्ते लोग ने भोंक भोंक के डरा डरा के भेजे के बर्तन में दिमाग को लकड़े का लड्डू बना दिया है। सोचते समय अकल के दांत टूट जाते हैं मगर बात समझ में नहीं आती है। एक तो साला ये भेजा आधा नाक में से बाहर निकल गया है। अरे तू बता ना यार, तू मंजिल तक कैसे पहुंच गया? उसे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं एक बहुत शरीफ और ईमानदार इंसान हूँ, यहाँ तक कि मैं उसके घर कभी भी किसी वक्त बेधड़क आ जा सकता हूँ। और इतना ही नहीं मामा, मैंने उसे खुले लफ्जों में तो नहीं दबे लफ्जों में शादी की फरमाइश भी कर दी है। शादी की फरमाइश? उसने तेरे को मारा नहीं? संजय आज तक अपने स्टाइल और अपने अंदाज से लड़कियों को मारता आया है, किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं जो संजय को मार सके। अरे हाँ मेरे बाप, मगर ये दूसरी किस्म की लड़की है, उससे तूने ये बात की कैसे? कहते हैं कि अगर गाय को काबू में करना हो तो पहले उसके बछड़ों से दोस्ती कर लो, और मैंने पहले उसके दो बछड़ों को यानी उसके दो बच्चों को अपना दीवाना बना लिया है। आज बच्चे सीने से चिमट गए हैं, कल उनकी माँ भी चिमट जाएगी। वाह भांजे वाह, अगर तूने ये काम कर दिया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 420 की किताब में ये किस्सा बेईमानी की जायज से लिखा जाएगा कि एक सीधी शादी बिन माँ बाप की करोड़पति विधवा को शादी के चक्कर में फंसने का सुनहरी कारनामा। मगर भांजे वो मान तो जाएगी ना? मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? अपने लिए तो सभी जीते हैं आरती, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए जीना ही जिंदगी है। और फिर ये दूसरे हैं कौन? तुम्हारे अपने बच्चे, अपना घर, अपना बिजनेस, इन सब के लिए अगर तुमने कुर्बानी दे भी दी तो तुम कुछ खोगी नहीं, पाओगी ही। आगे तुम्हारे मन से। बड़ी बात है तो हम नौकर ही, लेकिन इस घर में इतना मान मिला है कि बात करने की हिम्मत पड़ रही है। बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? यही बेटिया कि नंदिनी जी ठीक कह रही थी, बूढ़ी आंखों ने इतनी दुनिया देखी है कि अच्छे बुरे की पहचान खूब हो गई है। हमारा मन कहता है कि संजय बाबू अच्छे इंसान है, उनमें वो सारे गुण हैं जो एक सज्जन में होने चाहिए। और फिर बिटिया, जिंदगी में कभी न कभी तो समझौता करना ही पड़ता है। बॉबी और कविता भी यही चाहते हैं।
जताएंगे आपको। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे संजय। अरे भांजे अपने मामा से तो मिलो यार। मामा वो मामा जो शीशे से पत्थर को तोड़ देता है और कल के भांजे का रिश्ता करोड़पति लड़की से जोड़ देता है। मगर बाद में मामा को भूल मत जाना क्योंकि इस बेईमानी की इमारत में हर ईंट मेरी फिट की हुई है। हाँ जाइए जाइए मतलब जाइए। अच्छा तू पहले दिन भाव खा रहा है देगा ऐसा जम्बो। यार तुम लोग बात बता पहले है ना मैं कुत्ते को देख के डर के भागता था अभी मैं कुत्ते को देखता हूँ उसके पीछे भागता हूँ ऐसा कैसा। ये इंजेक्शन का असर कुछ उल्टा हो गया लगता है मेरी आत्मा निकल गई अंदर कुत्ते की आत्मा आ गई। नई जिंदगी मुबारक हो मिस्टर संजय। शुक्रिया आपको भी मुबारक हो। क्या बात है हमारी खुशियों से आप खुश नहीं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आप लोग आज ही हनीमून के लिए जा रहे हैं ना? जा रहे हैं क्या मतलब आप ही हमारे साथ चल रही? नहीं मैं क्या करूंगी। अरे भाई क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में? देखिए मैं आपकी सहेली से कह रहा था कि आप भी हमारे साथ सीतापुर फार्म चलिए लेकिन ये मानते ही नहीं। ये इसकी आदत है थोड़ी देर नखरा करेगी फिर खुद ब खुद मान जाएगी। क्यों नंदिनी? लेकिन आरती लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे बगैर ही चली जाऊंगी? बच्चे भी साथ चल रहे सब लोग साथ होंगे तो मजा आएगा। क्यों कैसी हो मासी? तो ठीक हूँ। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। ये लीला मासी है। नमस्ते। हमारे पूरे फार्म की देखभाल यही करती है। यहाँ का सारा हिसाब किताब इन्हीं के हाथ में है। और ये बालिया है ये बेचारा बोल नहीं सकता गूंगा है। नमस्ते बालिया। आइए अंकल हम आपको अपना फार्म दिखाते हैं। चलो अभी आए ना आंटी। आई चलो बालिया उतर ले चलो। लोग कहते हैं जज्बात और एहसास सिर्फ इंसानों में होते हैं लेकिन देखो राजा को मालूम हो गया तुम आ गई हो। कैसे स्वागत कर रहा है तुम्हारा? आरती क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं दिल घबरा रहा था अजीब बेचैनी सी हो रही है। होता है पुरानी यादों के निशान दिल की दीवार से आसानी से नहीं मिटते मगर मैं वादा करता हूँ कि अपने प्यार से उन पुरानी यादों को मिटा दूंगा और तुम्हारे दिल पर अपना नाम लिख दूंगा। क्या बात है? जी दरअसल बच्चों को शायद नींद नहीं आ रही होगी। वो क्या है कि मेरे साथ सोने की आदत है ना उनको। तो जाओ उनको सुला दो। लेकिन आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो और फिर हमारी जिंदगी में आज की एक रात थोड़ी है हजारों रातें होंगी। जाओ बच्चों के साथ सो जाओ। जाओ संजय तुम यहाँ इस वक्त? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ। और आरती कहाँ है? उसके बच्चों को उसके बगैर नींद नहीं आती। ममता का फर्ज निभाने गई है। पर तुम्हारी सुहागरात? सुहागरात तो जरूर मनेगी लेकिन उस बदसूरत आरती के साथ नहीं मेरी खूबसूरत नंदिनी के साथ। संजय मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तुम नहीं जानते मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कैसे किया। सोचो तो हम लोगों ने कितनी मुश्किल और नामुमकिन मंजिल पाली नंदिनी। मैं अपनी शराफत की एक्टिंग करते करते आरती के करीब पहुंचने की कोशिश करता रहा और तुम अपने मीठे अंदाज से उसे मेरे करीब धकेलती रही।
और आखिर में हम कामयाब हो गए नंदिनी। एक झूठ मूठ की शादी के दस्तखत के साथ मैं करोड़ों का मालिक बन गया हूँ। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है और इस नई जिंदगी की शुरुआत हमारी सुहागरात से होगी। गुड मॉर्निंग नंदिनी। क्या बात है आरती, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ नंदिनी, मैं बहुत खुश हूँ। कल तक मुझे डर था कि मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, लेकिन आज लगता है जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। और फिर जिसके पास तुम जैसी सहेली हो वो खुश क्यों ना हो। नंदने जी, भाई शिकार पर चलना है कि नहीं? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चलो। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अंकल हमें भी ले चलिए ना। नहीं, बच्चे शिकार पर नहीं जाते, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब ले जाऊंगा। बॉबी कभी नहीं बेटी, बच्चे जिद नहीं करते। हाँ तुम लोग बाली और मौसी के साथ रहो, हम लोग जल्दी लौट आएंगे। क्यों, चलो पीछे करो। मेरे अच्छे बच्चे हैं ना, चलो। तुमने पुलिस को दिया है उस पर अटल रहना। ये आरती बोट में से झुक झुक कर फोटो ले रही थी और एक बार कुछ ज्यादा झुक गई, और इससे पहले कि हम उसकी मदद कर सके मगरमच्छ ने उसे पकड़ के पानी के अंदर खींच लिया और पानी की गहराई में ले गया। समझ गई? कभी भूल कर भी किसी के सामने सच मत उगल देना, वरना वो सच फांसी का फंदा बनकर हम दोनों के गले में पड़ जाएगा। समझो, इंस्पेक्टर आ रहा है। इंस्पेक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। सुबह से शाम होने को आ गई है और आप लोग अब तक मेरी पत्नी को ढूंढ नहीं सके। आप नहीं समझ सकते मेरे दिल तो क्या बीत रही है।
मम्मी को मगरमच्छ खा गया। मौसी, क्या मम्मी अब कभी वापस नहीं आएगी? जरूर वापस आएगी। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि मासूम बच्चों से उनकी माँ छीन ले। हम गरीबों से उनके नेक दयालु मालकिन छीन ले। नहीं, वो नहीं मर सकती, वो जरूर वापस आएगी। मौसी कहती है हमारी मम्मी जरूर वापस आ जाएगी। बस बेटी बस, भूख नहीं है, बस यही सुने जा रहा हूँ। कब तक बिना खाए रहोगे? जब तक मम्मी नहीं आएगी। देखा बेटिया, जम्मा भी तुम्हें खाने के लिए कह रहा है। वो किलंग खिला दो। मम्मी आई अंकल? अंकल, मम्मी नहीं आई। जब से आरती बिटिया गई है, बच्चे एक ही रट लगाए हुए, मम्मी आई मम्मी आई। हर आठ पर दरवाजे पर नजर टिकाते थे, अपनी माँ को नहीं देख पाते तो मायूस होकर रह जाते। न ठीक से खाना खाते, न सोते, न सूख जाते। मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। अब आप ही ने समझाइए ना वकील साहब। बच्चे ऐसा नहीं करते बेटे, तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो ना। स्कूल नहीं जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगे और फिर वो कभी नहीं आएंगे बेटे। अगर हम खाना खाएंगे, स्कूल जाएंगे तो हमारी मम्मी वापस आ जाएगी। क्यों झूठ बोल रहे हैं वकील साहब? इन्हें एक दिन सच्चाई का सामना तो करना ही होगा। ये झूठी तसल्ली देने का क्या फायदा? और तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, और तुम समझते नहीं। जाओ अपने कमरे में जाओ। मिस्टर संजय, आपको बच्चों के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। उन्हें प्यार की जरूरत है। उनकी क्या जरूरतें हैं आपसे बेहतर मैं जानता हूँ। उनका बाप मैं हूँ, आप नहीं, ये बात याद रखिएगा। वकील साहब, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। बेचारा क्या, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जरा परेशान रहता है वो। कुछ ज्यादा ही परेशान है। ये सब कैसे हुआ तेरे साथ? बोल बेटी, बोल बेटी। क्या 7 साल? तेरा दिमाग खराब है? अरे 7 साल देखे किसने? और आजकल के जमाने में कौन उल्लू का बच्चा 7 साल तक जिंदा रहता है? तू 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 सब किया कराए पानी फेर दिया। अरे तू तो अपने आप को बड़ा अकलमंद समझता था ना, तो फिर ये पॉइंट कर देना मैं पहले क्यों लिया?
अब मुझे क्या मालूम था कि मरने के बाद लाश का मिलना भी जरूरी है, वरना ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ले अरे वो अकल के पीछे लठ लेके घूमने वाले, उसको मगरमच्छ के मुंह में डालने की क्या जरूरत थी? वो साले मगरमच्छ का पेट तो भर गया, हम सबका पेट भरा गया ना। उसको किसी पहाड़ की ऊंचाई से खाई में धकेल लिया तूने। अब भी क्या पागल जैसी बातें करते हैं मामा? ऐसा करता तो पुलिस को फौरन शक हो जाता कि मैंने ही उसका खून किया है। तूने उसको कत्ल नहीं किया है, हम सबको कत्ल कर डाला है। बताओ अब 7 साल तक भिखारियों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, पर मेरा क्या होगा? मेरे तो अरमानों के घोंसले में आग लग गई, और तो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता है। करोड़पति बीवी का पति अगर कहीं काम करेगा तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। ए माँ, मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। नहीं, मैं गोली खा लूं, नहीं तो वाकई मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। ना खा लूं। ये क्या है? ये जिंगूर बाने की गोली मेरे जेब में किसने रख दी है? चाचा जी। कौन चाचा जी? आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। अरे तू क्या करेगी? तू लाकी है, कोई नोट छापने की मशीन थोड़ी जो मेरी कड़की दूर कर देगी। नंदनी। चाचा जी मत बोल। मेरी बात सुनिए, अगर संजय काम नहीं कर सकता उसकी इज्जत में फर्क पड़ता है, मैं तो कर सकती हूँ ना। मैं तो पहले से ही कर रही हूँ, संजय के लिए और करूंगी, पैसे की कोई चिंता नहीं होगी। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। सुनो, तुम्हारी कोई चाची वाची नहीं? क्यों? उसका मेरे साथ चक्कर चला था तो मेरे लिए काम करेगी तो मेरा भी खर्चा पानी निकल जाएगा। आपके खर्चे को भी मैं संभाल लूंगी। तो जा रही है बेटी? हाँ बाबा, अब मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन कहाँ जाएगी? जहाँ मेरे कातिल रहते हैं बाबा, मुझे मौत के मुंह में धकेल कर तमाशा देखने वाले रहते हैं, वहाँ जाऊंगी मैं। अब मेरी इस उजड़ी हुई जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला, इंतकाम। उन पापियों से बदला भगवान लेगा, उनके पापों का फल देखकर ही रहेगा। बेटी, जब मैं तुझे अधमरी हालत में यहाँ लाया था तो तू ये जेवर पहने हुए थी, अब तू जा रही है, इन्हें ले जा बेटी, तेरे काम आएंगे। इतने दिनों तक तू इस घर में बिल्कुल मेरी बेटी की तरह रही, जब बेटी बाप के घर से जाती है तो बाप हमेशा उसे तोहफा देकर विदा करता है, मगर इस बूढ़े गरीब के पास सिवाय आशीर्वाद के और कुछ नहीं। नहीं बाबा, ऐसे मत कहिए, आपने अपनी बेटी को वो तोहफा दिया है जो दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को दे ही नहीं सकता। आपने मुझ मरती हुई को दोबारा जिंदगी दी है बाबा, मैं अपने बाप के घर से दुनिया का सबसे कीमती तोहफा लेकर जा रही हूँ। भगवान तुझे शक्ति दे बेटी। Cosmetic surgery eliminate the scars completely. Yes, it can easily be done. We'll need an old photograph of yours from before the accident. No, doctor. I don't want just the scars removed. I want to look different. I want a new face. एक नया चेहरा जिसे कोई पहचान न सके।
मुझे, हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन साथ रहने से तो दुनिया को कोई कानून हमें रोक नहीं सकता। बस तुम्हें तो एक ही धुन लगी हुई है, जानती हो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, वरना वो वकील का बच्चा मुझे यहाँ से निकाल बाहर करेगा। वो तो सिर्फ एक मौके की तलाश में है। ऐसी हालत बना दी मेरी जैसे नदी में पानी बह रहा हो और किनारे पर किसी प्यासे को बांध कर रख दिया हो। और ये सब इस बदशकल औरत की वजह से हुआ है। मरकर भी पीछा नहीं छोड़ा, हटा उस मनुष्य को यहाँ से। आपने हमारी मम्मी की तस्वीर क्यों फेंकी? नहीं बेटी, तस्वीर नहीं फेंकी, वो तो बात करते करते अंकल का हाथ फ्रेम पर लग गया था इसलिए गिर गई। हम तुम्हारी मम्मी की तस्वीर थोड़ी फेंकेंगे। आप झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें तस्वीर फेंकते हुए देखा है। नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हाथ मत लगाओ। मम्मी, बड़ों के सामने ऐसे पेश आया जाता है? माफी मांगो। नहीं मांगूंगा, मेरी मम्मी की तस्वीर क्यों फेंकी? किसी नालायक बदतमीज जबान चलाता है। ये ले अपनी मम्मी की फोटो। Be gone within a few months. Nikol Jayanga. Thank you. Taxi.
मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। यहाँ जो भी लड़की आती है मॉडल बनने ही आती है, कभी अपनी शक्ल आईने में देखती ही। हाय नंदनी नंदनी नंदनी, अच्छी मैं उसकी तस्वीरें खींचते खींचते बोर हो चुका हूँ, और मैं ही क्या, सारे स्पॉन्सर्स बोर हो चुके हैं। अगर यही रवैया रहा तो लगता है एक दिन ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी बंद करनी पड़ेगी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें तो किसी नई लड़की का चेहरा पसंद ही नहीं आता। अजी ये चेहरे भी कोई चेहरे है क्या? लानत है इन चेहरों पे। लगता है भगवान ने आजकल अच्छे चेहरों को बनाना ही बंद कर। अरे क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ? ओ लला, जवाब नहीं इस जवाब का। तुम तो ऊपर से बनी बनाई मॉडल आई हो, जाने मन जाने बाहर तुम्हारी खूबसूरती और मेरे आर्टिस्ट दिमाग के उड़ाने का दोनों एक हो जाए तो मॉडलिंग की दुनिया में टहलका मच जाएगा। हिंदुस्तान के हर अखबार, हर मैगजीन के कवर पे, दूरदर्शन पे बस तुम नजर आओगे। सच? तुम्हारा नाम? ज्योति। हाय ज्योति, मुझे जेडी कहते हैं। सेम हियर। एक मिनट, अरे थोड़ा सा नाम। नहीं मामा, आजकल ये एक बहुत मशहूर मॉडल है, हर मैगजीन के कवर पर इसी की तस्वीर है। सारी दुनिया देखी मैंने, लेकिन ऐसी लड़की नहीं देखी। है तो कातिल, मगर तू इस मॉडल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तेरे पास तो एक मॉडल पहले से, नंदनी। मामा, लड़की का मॉडल हो या गाड़ी का, वक्त के साथ साथ दोनों पुरानी हो जाती है, और मैं पुरानी चीजों का शौकीन नहीं हूँ। Oh, hi, Rupa. How are you doing? You looking gorgeous. Well, thank you. Excuse me. दिल गया तो गया, होश भी उड़ गए। एक नया इंकलाब आने को है, अपनी काफिर निगाहों को रोको जरा, मेरा ईमान डगमगाने को है। इस बंदे को संजय वर्मा कहते हैं। नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस बेनाम का नाम आपको जाना पहचाना सा लगता है। याद आया, कहीं आप वही संजय वर्मा तो नहीं जिन्होंने एक करोड़पति बाप की एक लौती बेटी आरती से शादी की थी? जी हाँ, वही। मगर वो भी
बेचारी भक्तपति से एक हादसे का शिकार होकर बर्बाद हो गई। खैर इस वक्त मौत की बातें भूल जाइए, खूबसूरती और चाहत की बातें कीजिए। बिल्कुल, जिंदगी में कुछ ऐसे भी काम करनी चाहिए जो मरने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे, और मैं कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखती हूँ। आप बहुत जिंदा दिल लगती हैं। अच्छा, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, थैंक यू। जान, तुमने तो सारे स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसी वालों को जुलूस निकाल दिया है, उनके फोन्स पे फोन्स आ रहे हैं और सब के सब तुमसे मॉडलिंग करवाने के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा है, मरने दो। तुम्हें लोगों को मारने का शौक है? सबको तो नहीं, लेकिन एक आध को तो मारना ही चाहिए। हाय मेरी जान, मरे हुए को मारने से क्या फायदा, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। और कितने जलील कराओगे अपने आप को? तुम्हें उसके लिए ताली बजाने की क्या जरूरत थी? लगता है तुम्हें जलन हो रही है। हाँ हो रही है जलन, बल्कि आग भी लग रही है। एक बात सुनो संजय, मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, और अगर कोई मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी जान पर बिखेर जाऊंगी। लोग सही कहते हैं, ये औरत की मिट्टी में पानी कम, जलन ज्यादा होती है। और तुम भी डारिंग, न जाने कहां से कहां बात मोड़ कर ले जा रही हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मामा, जवाब दिया उसने? हाँ दिया ना, मगर बात तो नहीं दिया, अपने सन्नाटेदार हाथ से दिया। ये धोखा अभी तक उसकी छपाई मेरे गालों पे लगी हुई है। ऐसा कस के झापड़ मारा कि मन के मंदिर में जितनी बेईमानी की घंटियां लटक रही थी वो अब तक हिल रही हैं। एक बात बोलूं, वैसी लड़की नहीं जैसी तू समझता है, उसको भूल जा, नहीं तो एक दिन क्या होगा मालूम? अच्छा खासा। अरे मैं तो जमीन पे चला था, मेरे पैर के नीचे की जमीन कहाँ चली गई? एक बेटा इसीलिए बोलता हूँ उसको भूल जा, वरना एक दिन तेरे पैरों के नीचे की भी जमीन निकल जाएगी। भूल जा उसको। नहीं मामा, एक बार संजय किसी को फूल भेजता है तो उसे भूलता नहीं, उसके दिल में मोहब्बत के फूल उगाकर ही रहता है।
सुनो, मेम साहब से कहो संजय साहब मिलना चाहते हैं। मैडम, कोई संजय साहब आपसे मिलने आए हुए हैं? मैं यहाँ शूटिंग करने के लिए आई हूँ, किसी से मिलने के लिए नहीं। क्या तो मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त की कदर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे इतना महंगा ना बनाइए कि अपने पुजारी के लिए भी दो पल न मिल सके। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर आप मजाक कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छा है। यकीन कीजिए, जिस दिन से आपने मेरे गले में हार डाला है, उस दिन से वो हार मेरे गले का जंजीर बन गया है। सोते जागते उठते बैठते मैं आप ही की कल्पना करता रहता हूँ। लगता है बस पागल हो जाऊंगा। बातों से तो लगता है, पत्थर हाथ में होता तो यकीन भी हो जाता। आपको यकीन नहीं आता? यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बुरी आदत भी है आपको? वाह, कत्ल भी करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। कत्ल करने के लिए हाथ में तलवार की जरूरत नहीं होती। हाँ, शर्त ये है कि कत्ल होने वाला बेशर्म न हो। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, मेरा शॉट रेडी है। सिर्फ एक मिनट और। कहिए। एक आरजू लेकर आया था, अगर आप एक छोटा सा तोहफा कबूल करें। तोहफा? किस खुशी में? आपने भी मुझे उस दिन एक तोहफा दिया था, इसे पहनकर इसकी खूबसूरती बढ़ा दीजिए। बड़ा खूबसूरत सिंदन है ये, बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। पसंद आया? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल रजवाड़ों के खानदान का। लेकिन लगता है पहले किसी ने पहना है इसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी इतनी उजाल कि मैं आपको सेकंड हैंड तोहफा दूं? थैंक यू। आओ ज्योति, आओ। अरे आओ ना, घबरा क्यों गई? ये है अपना छोटा सा घर। माँ आई है? माँ, घर छोटा है लेकिन घर का दिल बहुत बड़ा है। घर का दिल बहुत बड़ा है, क्या मतलब? मतलब ये है कि इस घर में मैं रहता हूँ, मेरे बड़े भाई रहते हैं, मेरी भाभी रहती है, उनके प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं, उन प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी दादी माँ यानी मेरी माँ रहती है। सब कुछ मिलाकर घर का दिल बड़ा हुआ कि नहीं? क्या है बेटे? माँ, मैं तुमसे हमेशा ज्योति नाम की लड़की की तारीफ किया करता था, ये वही ज्योति, और ज्योति ये मेरी माँ है। नमस्ते। बहुत सुंदर है, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। कल संडे नहीं, कल संडे, कल संडे नहीं, कल संडे, कल संडे नहीं, कल संडे, कल संडे। चाचा आप ही बताइए, कल सैटरडे की संडे? अरे कल, कल तो कल, कल संडे है। ये ज्योति आंटी है। नमस्ते करण को। नमस्ते आंटी। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलता ही नहीं ना मुझे फोन। हेलो हेलो, कौन बोल रहे? हेलो। अरे आप? जी हाँ। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। खड़े हैं, बैठिए ना। माय माय, ऐसे हिंदुस्तानी लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे लगता है इस खूबसूरती के पीछे कोई राज छुपा है। जी। मैं एक फोटोग्राफर हूँ ज्योति, और चेहरा पढ़ना मेरा पेशा है। तुम किसी आग का सामना कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ एक दोस्त के नाते। जेरी, जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ, उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा।
मेरा कोई हमसफर नहीं बन सकता, मैं किसी की मदद नहीं ले सकती। ऐसा क्या मकसद है तुम्हारी जिंदगी का? जेरी, एक दोस्त के नाते इस मामले में मुझसे तुम सवाल न करो तो बेहतर है। सुनो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और कहो कि मेरी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तो बर्बाद हो गया। तेरे को खिला खिला के, पिला पिला के, ये कीमती कपड़े पहना पहना के मेरा तो दीवाना खसक गया, और तू घर की कीमती चीजें चुरा के उसको जाके तोहफे में दे के आता है। तेरे को चुरा के नहीं दे सकता साला, मैं कर्जदारों के कर्जे तो उतारू, तेरा क्या मालूम। मेरे घर पे रोज कर्जदारों की इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि घासलेट की दुकान के बाहर भी इतनी लंबी लाइन नहीं होती होगी। मैडम, लोगों ने मेरे को धमकी दी है, अगर मैंने उन लोगों का कर्जा बहुत जल्दी नहीं उतारा तो वो लोग मेरे जेल भेज देंगे। अरे मैं जेल जा रहा हूँ और तू दो कौड़ी की ज्योति के मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला जा रहा है। खबरदार मामा, अगर ज्योति के खिलाफ एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हें दो कौड़ी का बना दूंगा। तू मुझे धमकी दे रहा है इस हीरालाल को, जिसने तुझ जैसे कंकड़ को एक कंकड़ से हीरा बना दिया, तू मुझे धमकी दे रहा है? इस शान शौकत का मालिक बनाया, करोड़पति बीवी की जायदाद का एक लौता वारिस बनाया, तू मुझको धमकी दे रहा है? इस दौलत के सिंहासन पे बिठाने के लिए तेरे रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा था उसको मैंने उखाड़ा, तो क्या समझता है आरती का बाप कोई हाथ बैल से मिला था? अरे जा जा, उसको मैंने अपने हाथ से तकिए से उसका मुंह दबा 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 के मैंने मार डाला उसको। बुढ़े, क्या सुना तुमने? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। झूठ बोलेगा तो जान से मार डालूंगा। बस मालिक, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे तो खुद ही सुनाई पड़ गया, लेकिन लेकिन मैं तेरी माँ की सौगन खा रहे कहता हूँ, इसकी चर्चा मैं किसी से नहीं करूंगा। जिंदा रहेगा तो चर्चा करेगा ना। करते ना हम उसको उठा के नीचे फेंक देते हैं, दुनिया समझेगी सीढ़ियों से लुढ़क के मर गया। क्या हुआ? आपका बेटा की क्लास टीचर है? जी हाँ। वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? तीन चार रोज से उसकी तबीयत खराब है। उसका छोटा भाई बॉबी? वो भी नहीं आया। एक्सक्यूज मी, आई एम टेरिबली सॉरी, काफी देर इंतजार करना पड़ा होगा ना आपको? काफी तो कयामत तक भी ना होता, क्योंकि वो आपका इंतजार होता। आपके फोन ने मुझे इतना एहसास दिला दिया था कि जलने वाले हम अकेले नहीं हैं, आग दोनों तरफ बराबर है लगी हुई। मेरे दिल में जो आग लगी है उसके मुकाबले में तो आपकी आग कुछ भी नहीं। आग तो जिंदगियां जलाकर खाक कर सकती है। वाह, तो इस आग को बुझाने का एक ही तरीका है कि हम दोनों मिलकर एक हो जाएं। जहर को जहर मारता है और प्यार की आग को प्यार ही बुझा सकता है। ऐसे भी क्या जल्दी है, अभी तो मैं ठीक से ये भी नहीं जानती कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। पहले मैं आपको ठीक से पढ़ तो लूँ। तो फिर इस नेक काम के लिए देर क्यों लगाएं? अभी चलते हैं, मेरे घर का हर दरवाजा खुला है, जिस दरवाजे से चाहे अंदर आ सकती हैं। अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
वो घर देखने को मेरा दिल बहुत चाह रहा था जिस घर में आप रहते हैं। आपका तो गुलाम बन गया, लगता है आपका जादू इस पर भी चल गया है। मम्मी आप वापस क्यों नहीं आते, जल्दी आइए ना मम्मी। ये शीशा किसने तोड़ा? अंकल ने हमारी मम्मी की सारी तस्वीरें तोड़ दी। कविता बेटी तुम भी हो मेरे पास, आओ ना। आओ दीदी, ये आंटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मम्मी की तरह गले लगाएंगी, फिर मारेंगे नहीं। क्या तुमको कोई मारता है बॉबी? हाँ अंकल हमें रोज मारते हैं, जब से रामू काका नहीं रहे अंकल हमें स्कूल में नहीं जाने देते। रामू काका कहाँ चले गए? वो मर गए। क्या रामू काका मर गए? हाँ अंकल और चाचा ने मिलकर उनको मार डाला। नहीं डरो मत बॉबी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बताओ उन्होंने रामू काका को क्यों मारा? क्योंकि हम लोग ने चाचा को कहते हुए सुन लिया था। क्या सुन लिया था? कि उन्होंने हमारे नानू को ही मार डाला, मुंह पर तकिया रखकर मार डाला। हमें बहुत डर लगता है आंटी। अब बिल्कुल मत डरना बच्चों, यूं समझ लेना कि इस घर में तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी मम्मी आ गई है, और आज के बाद मेरे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे नाना के खून की, उन सब पापियों को उनके एक एक गुनाह की सजा देकर ही रहूंगी। अरे भाई, अरे इस वक्त अपने दरवाजे पर और कौन आएगा? साला कोई कर्जदार ही होगा, कर्जा वसूल करने आए हो? हाँ कर्जा ही वसूल करने आए हूँ चाचा। चाचा ये मेरी कौन सी भतीजी है जिससे मैंने कभी कर्जा लिया था? कौन है भाई? अरे चेहरा तो साफ दिखाओ यार, एक तो अंधेरा है, ऊपर से कमजोर दिल का मरीज हूँ, वैसे ही मर जाऊंगा मैं। नहीं मैं तुम्हें वैसे कैसे मरने दूंगी, मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। चेहरा तो देखूं, कौन है भाई? तुम आती? हाँ चाचा मैं। तुम तो मर चुकी हो। दुनिया के लिए मैं मर चुकी हूँ, मगर तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मेरे लिए? इन्हीं हाथों से तुमने मेरे पिता की जान ली थी ना? हेलो
नंदिनी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो। इस वक्त मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। तुम्हारा आशिक संजय वर्मा, जो मेरा दीवाना है और मेरे इशारों पर नाचता है, मुझे अपने साथ सीतापुर फार्म ले जा रहा है। क्या? उसने तुम्हें बताया नहीं? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद सीतापुर फार्म आकर अपने बेवफा आशिक का तमाशा देख लो। हेलो हेलो, माँ को ना मगरमच्छ ने खा लिया था। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। खूबसूरत जगह है। आपसे ज्यादा नहीं। आओ ना। ये हमारी लीला बाई हैं। पूरे फार्म की देखभाल करती हैं, हिसाब किताब देखती हैं, सब कुछ इन्हीं के जिम्मे है। और लीला बाई, ये हमारी खास मेहमान मिस ज्योति हैं। हाय आंटी। तुम्हें इनका खास ख्याल रखना होगा। और सुनो, वो जो आरती का कमरा है ना, उसे इनके लिए खोल दो। नहीं मालिक, वो कमरा नहीं खुलेगा। क्यों? जब से वो हादसा हुआ है मैंने वो कमरा बंद कर दिया है। आप उस हादसे को अभी तक भूली नहीं? आरती मेरे बच्चे समान थे। कोई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? बड़ा खूबसूरत घोड़ा है। किसका है? मेरा है। तुम्हें घुड़सवारी आती है? बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा देखे तो। अरे ओ बालिया, जानवर जानवर ही रहता है। दरअसल मेरे लाजदार ने इसे भी बिगाड़ दिया। लगता है आपको ज्यादा ही प्यार करते हैं। बेटे मैं ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो हमारे पापा नहीं है। लेकिन आप कौन हैं? मैं ज्योति का दोस्त हूँ बेटे। ज्योति संजय के साथ गई है ना, तो संजय ज्योति को लेकर कहाँ गया है यही मैं जानना चाहता हूँ। देखो बेटे, घबराओ नहीं, ज्योति की जान खतरे में है। तुम लोग अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे ना? हाँ। और यही चाहते थे ना कि वापस आ गए? हाँ। तो ज्योति ही तुम्हारी मम्मी है बेटे। आप सच कह रहे हैं अंकल? अंकल बोलो ना। हाँ बेटे, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमें मालूम था हमारे
लेकिन मम्मी जरूर वापस आएगी। हमें मम्मी के पास ले चलिए ना अंकल, ले चलिए ना। वो कहाँ गई बेटा? हमारी मम्मी सीतापुर वहाँ पे गई है। राजा उसने तुझे बहुत मारा ना, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं मजबूर थी, बस थोड़ी देर और सब जुल्मों का अंत हो जाएगा। ये देख मैं दिल्ली क्या लाई हूँ। तुम? हाँ मैं। ताज्जुब हुआ? तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पहले ये बताओ कि वो कहाँ है। झूठ बोलने की कोशिश मत करना संजय, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो यहाँ है। वो? उस वो का कोई नाम भी है कि नहीं? किसकी बात कर रही हो? मैं ज्योति की बात कर रही हूँ। तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जो तुम साया बनकर मेरे पीछे चली आई। तुम्हारी ज्योति ने मुझे एयरपोर्ट से फोन किया था कि वो तुम्हारे गले में अपने प्रेम का पट्टा डालकर तुम्हें यहाँ लेके आ रही है, और अब मैं उसे बताने आई हूँ कि तुम कितने बेवफा इंसान हो। नंदनी, भगवान के लिए अपनी जबान। भगवान? तुम जैसे घटिया इंसान क्या जाने भगवान क्या है? बकवास बंद करो, चलिए यहाँ से। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दबा हो जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल से चिढ़ हो गई है। क्योंकि ज्योति से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम रुकावट बनने की कोशिश मत करो। यहाँ से फौरन चले जाओ, समझी? हाँ मैं तो समझ गई, लेकिन आज मैं सारी दुनिया को भी समझा दूंगी कि आरती का कत्ल तुमने किया था। तुमने उसकी दौलत के लिए उसे शादी की थी, जो तुम प्यार उसकी सहेली से करते थे, और उसी दौलत को पाने के लिए तुमने आरती को मार भी डाला था। शायद तुम भूल रही हो कि आरती के कत्ल के जुर्म में तुम भी बराबर की हिस्सेदार हो। कानून तुम्हें वही सजा देगा जो मुझे मिलेगी। फांसी का फंदा तुम्हारे गले में भी पड़ेगा। मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है। आज मेरे अंदर की औरत जाग गई है और तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गई है। वफादारी चीज क्या है तुम क्या जानो? तुम वासना की भूखे कालक की लालची हो। मारो जितना मारना है मारो, लेकिन आज तुम मेरी जुबान बंद नहीं कर सकोगे। कल तक मेरी खूबसूरती के लिए आरती को छोड़ रहे थे, और आज ज्योति के लिए मुझसे नजरें फिरा रहे हो। मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं ज्योति की जिंदगी आरती की तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी, और मैं उसे तुम्हारी हैसियत बताकर ही छोड़ूंगी। किस मुंह से बताओगी नंदिनी? जो बताने जा रही हूँ वो सब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, कानों से सुन चुकी हूँ। इसे मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है?
ज्योति? ज्योति नहीं, आरती। आरती? तुम जिंदा हो? आज तक जिंदा हूं। भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा कि मैं तुम्हारे मौत के परवाने पर दस्तखत कर सकूं। ये कैसे हो सकता है? साइंस और डॉक्टरी के चमत्कार से, प्लास्टिक सर्जरी से, जिसने मेरा हुलिया बदल दिया, मेरा चेहरा खूबसूरत बना दिया, मेरे जख्मों के दाग मिटा दिए, लेकिन उन जख्मों को नहीं मिटा सके जो तुम लोगों ने मेरे दिल पर लगाए। मैं चाहती तो तुम लोगों से फौरन बदला ले सकती थी, पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो बदला तो पूरा हो जाता मगर यहाँ के जख्म रह जाते। अब मैं तुम्हें उसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुमने मेरा अंत करने की कोशिश की थी, और वहीं तुम्हारी इस नापाक जिंदगी का भी अंत होगा। मैं उठा कर ले जाऊंगी। तेरी किस्मत में तो अब सिर्फ मौत की बाहें लिखी हैं, और वहां तक तू अपने घुटनों पर रेंगते हुए जाएगा। मगरमच्छ की खाल से बनी हुई इस घोड़े से मैं तुझे जानवरों की तरफ सेवे ले जाऊंगी। मैं इस घोड़े से तेरे बदन पर तेरी हर जुल्म की कहानी लिखूंगी, ताकि तू वही दर्द महसूस कर सके जो मेरे जख्मों पर हुआ था, जो दर्द मेरे डैडी ने, रामू काका, मेरे जानवरों ने और मेरे मासूम बच्चों ने महसूस किया था। ये बकवास एक कमजोर औरत की भक्तियाँ हैं। कमजोर औरत? अरे शैतान, तूने आज तक औरत का रूप देखा ही कहाँ है? आज तक तू सिर्फ औरत नाम के खिलौने से खेलता आया है। औरत नाम के तलवार का सामना नहीं किया तूने? तूने मरियम का दामन और सीता की गोद देखी है, दुर्गा और काली का रूप नहीं देखा, पन्नादाई की ममता और प्रेम को छला है, रानी झांसी और रजिया सुल्तान का सामना नहीं किया तूने, सावित्री का सतीत्व देखा है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि अगर वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है तो तुझ जैसे इंसान के प्राण भी सकती है। देख आज एक औरत क्या करती है। We'll be right back.